5 self-styled godmen have been inducted in an MOS rank in Madhya Pradesh government. We get you live, Yogendra Mahant, on this broadcast. He joins us. Yogendra Mahant ji, aapka bahut bahut dhanyavaad Republic TV se judne ke liye. Aur hum aapko ye bhi bata de ki aapse jo hamari ek khas baatcheet rahegi, kai darshak hame phone bhi karte aa rahe hain, wo bhi aapse kuch sunna chahenge. Sabse pehle to ye bataiye, kya mansha thi is move ke piche? Ek MOS rank jo aapko mila hai, kai sawal khade uth rahe hain ki kyun? Waise bhi to aap janta ke liye kaam kar rahe the. निश्चित रूप से काफ़ी समय से जो हम पांचों लोग जो कमेटी में आए, वो समाज के लिए पर्यावरण हो, जल संरक्षण हो या सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और जनता तक उनका कार्यों का लाभ पहुंचा रहे थे. जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने यह अनुभव महसूस किया कि ये मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जो मां नर्मदा है जीवनदायिनी, उसके संरक्षण संवर्धन और उसके आसपास पर्यावरण के लिए और जल का क्षमता बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाना है, उसके जी, अगर पर्यावरण के लिए काम करना है, लोगों के लिए समाज सेवा करनी है, तो उसके लिए मंत्री पद का होना आवश्यक है क्या? आप तो वैसे भी काम कर रहे थे लोगों के लिए, क्या काम करने के लिए, सेवा करने के लिए मंत्री बनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, नहीं, निश्चित रूप से ये न मंत्री बनना जरूरी है, न मंत्री बनने के लिए हम लोग कार्य कर रहे थे. यह तो एक व्यवस्था है कि एक कमेटी के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि प्रदेश बहुत काफ़ी बड़ा है और उस कार्य को कम समय में अधिक आम जनता तक पहुंचाना है, जन भागीदारी बढ़ाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, माँ शिप्रा को बचाना है, उनका जो जल स्तर कम हो रहा है वो बात चिंतनीय है, उस कार्य को करने के लिए ये और ये व्यवस्था है. कि लेकिन क्या आप जानते हैं, कम समय में क्या आप जानते हैं योगेंद्र महंत, नर्मदा घोटाले को लेके एक बहुत मैसिव एक महीने का प्रोटेस्ट होने वाला है. ये जो आपका इंडक्शन है उससे कई सारे सवाल खड़े उठ चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो प्रोटेस्ट होंगे एक महीने के तकरीबन, निश्चित रूप से अब इस प्रकार का कोई कार्य करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जिसमें हजारों संतों के प्रतिनिधि हैं और संत समाज जो है वो समय समय पर समाज को मार्गदर्शन करना, समाज में आम जनता के कल्याणार्थ कार्य करने के लिए संत समाज हमेशा आगे आता है. हाँ जी, संतों का सरकार से क्या लेना देना सर? और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि आपका कुछ संबंध कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, यूथ कांग्रेस जो स्टेट की है, यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आप थोड़े उनके साथ भी आप जुड़े हुए थे, क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, मेरी आज 55 ईयर का मैं हूँ, मेरा यूथ कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं. विगत 5 वर्षों से मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, और क्योंकि समाज सेवा, सामाजिक शैक्षणिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते आए हैं और समाज को उन चीज़ों का, वो चाहे दिव्यांग हो या अन्य व्यक्ति, उनको कार्य करता है, तो प्रदेश सरकार ने इस कमेटी से जोड़कर हम सब. तो आपका ये कहना है योगेंद्र महंत, आपका यूथ कांग्रेस से कभी कोई रिश्ता नाता नहीं रहा. अब हम बात करते हैं इस पोस्टर की, हम अपने दर्शकों को वो पोस्टर एक बार फिर दिखाएंगे हमारे स्क्रीन पे. ये क्या लॉजिक है? अब पहले आपने एक तरह से ब्लैकमेल किया सरकार को, अब आप लोग मंत्री बन गए हैं, तो अब जो इसमें प्रोटेस्ट की बात की है आपने, क्या उन नारों को, प्रोटेस्ट को आप आगे करेंगे? आप ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे जो वायदे आपने लोगों से किए हैं नर्मदा को लेके? निश्चित रूप से आपने जो पूछा है ये अच्छी बात है कि हमने उसमें जो हमारी जो प्रमुख मांगे थे उसमें से नर्मदा जी में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, जो मशीनों से उत्खनन हो रहा था, मुद्दा भी था. नर्मदा जी के आसपास पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण है, ये तो इन सब बातों को सरकार ने स्वीकार करते हुए, सरकार ने उस कार्य में जो गुंजाइश थी सुधार की, उन सब बातों को लेकर यह कमेटी बनाई है कि यह कमेटी खुद मॉनिटरिंग करेगी. आपकी ध्वनि में कन्विक्शन नहीं है योगेंद्र जी, आप कन्विंस्ड नहीं साउंड कर रहे हैं. बहरहाल आपसे बात करने के लिए कई लोग हमें लाइव फोन कर रहे हैं. अजय मेहरोत्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. अजय जी अपना सवाल पूछिए, योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? पहला क्वेश्चन ये है कि ये नर्मदा बचाने में आप क्या करेंगे? दूसरा, आपको अगर मंत्री बनना था तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? तीसरा, नर्मदा घोटाले की यथार्थता क्यों नहीं निकाली?
और दूसरा सवाल यह है कि जो अर्णब गोस्वामी उन पर 10 करोड़ रुपए लेकर सलमान खान के फेमस होने का आरोप है, तो आप इस तरह के करप्ट चैनल पे बात क्यों कर रहे हैं ये बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है, संत समाज और जो कमेटी के सदस्य हैं वो जन भागीदारी से इस क्षेत्र में जो वृक्षारोपण हुआ है और आगे अधिक से अधिक और वृक्षारोपण हो और माँ नर्मदा का क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हो, माँ नर्मदा का जल संग्रहण बढ़े और उसका जल स्तर बढ़े, इस क्षेत्र में कार्य करना चाहती है कमेटी। और निश्चित रूप से जन भागीदारी, जनता को जागरूक करके जन भागीदारी बढ़ाना ही इस कमेटी का उद्देश्य है। जी योगेंद्र जी, आइए वापस दोबारा पोस्टर की बात करते हैं, हम वो पोस्टर्स दर्शकों को दिखाएंगे, इससे जुड़े सवाल नहीं शक और इसकी बैक स्टोरी क्या है। पहले तो आप इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर जस्ट इलेक्शन से पहले आपका इंडक्शन होता है एमओएस, ये सब क्या चल रहा है? ये जैसा कि आपने बताया तो हम संत समाज की भी नर्मदा जी के संरक्षण के लिए उसमें जो अवैध खनन हो रहा था उसके लिए अपने प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया था और कल ही मंत्रिमंडल ने उच्च स्तरीय निर्णय लेते हुए जो ठेकेदारी पत्थर से जो रेत उत्खनन हो रहा था उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और अब वहाँ इस प्रकार का कोई गतिविधियाँ नहीं। ये कुछ बात हजम नहीं होगी ना किसी को सर, पहले आप सरकार को कॉन्फ्रंट करते हैं नर्मदा आंदोलन, सरकार आपको मंत्री पद देती है, फिर आप सरकार की भाषा बोलते हैं। कभी भी संत समाज हो या कोई सा भी व्यक्ति हो जिसे कोई भी समस्या हो, कोई उसकी मांग हो, तो वो उस विभाग के या उस प्रमुख व्यक्ति के पास जाता है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार है तो उसके मुखिया शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री उनके पास जाता है, उनको अपनी समस्या बताता है और यदि वो समस्या सुन ली जाती है उसको सुधार की गुंजाइश सुधार किए जाने के लिए सरकार तत्पर है या उसे जी, और अधिक गति से तत्पर है। अभी तक सब शांत क्यों थे और इलेक्शन से पहले ही इंडक्शन होती है और इलेक्शन से पहले ही आपके पोस्टर्स छपना शुरू होते हैं मुंबई से फरहान है हमारे साथ फोन लाइन पे, वो आपसे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। फरहान सवाल पूछिए। जी फरहान प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, सवाल पूछिए अपना। बाबा जी शिवराज आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आई थिंक वो फोन लाइन डिस्कनेक्ट। जी वो फरहान दोबारा से आपको कॉल करेंगे। बहरहाल हम आइए बातचीत करते हैं। इलेक्शन से पहले सडनली हम देखते हैं मंत्रिमंडल में एक नहीं पांच पांच बाबाओं को एमओएस रैंक दिया जाता है और मुद्दा है नर्मदा, क्या ये कोई कनेक्शन नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब ने 2 वर्ष पूर्व कोई चुनाव नहीं था, कोई चुनाव का माहौल नहीं था, फिर भी उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा की, पूरे नर्मदा जी के पूरे सतत अभियान के तहत यात्रा की और उन क्षेत्रों में क्या कार्य किया जाना और अधिक गति से कार्य किए जाने की गुंजाइश है, जिस प्रकार से कि वृक्षारोपण की और अधिक गुंजाइश है, जिस प्रकार से कि नर्मदा के जल संरक्षण की गुंजाइश है, जिस प्रकार से उन्होंने अभी अवैध उत्खनन पर रोक लगाई, इन सब चीज़ों को उन्होंने निकट से जाकर देखा और जो सुधार है उनके लिए कार्य किया। और जब समय पर उन्हें ऐसा लगा, जब संत समाज भी आगे आया तो उन्हें लगा कि इस बात के लिए अपन संत समाज को जिम्मेदारी देते हैं, उन्हें संत समाज को जिम्मेदारी दी और निश्चित रूप से संत समाज उन्हें आश्वस्त करता, प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता है कि संत समाज पूरी निष्ठा से, लगन से और अधिक गति से इस कार्य को करके समय के पूर्व इसमें सुधार संरक्षण। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर संत समाज, लेकिन महंत जी पूरे रिस्पेक्ट जो है आपकी संत समाज की, वो मंत्री बनने से उसका क्या लेना देना? आप संत समाज में रह के भी जो भी आप काम कर रहे थे, आप लोग मंत्री बनना संत समाज का उद्देश्य नहीं है और न ही उन्हें कार्य करने के लिए मंत्री पद की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है और बहुत अधिक कार्य। और अगर मंत्री बनना उद्देश्य नहीं है तो क्या आप अपना कमेटी कार्य करेगी? तो उन्हें जी, अगर मंत्री बनना उद्देश्य नहीं है तो इलेक्शन से पहले पांच मंत्री एमओएस बनते हैं जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल मेरिट नहीं है, कभी इलेक्शन नहीं जीता, कभी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, अब मंत्री कैसे बन गए?
मंत्री नहीं बने, उन्हें मंत्री का स्टेटस दिया है प्रोटोकॉल के अंतर्गत कि ताकि वो क्षेत्र में जाएं तो उन्हें वाहन सुविधा उपलब्ध हो जाए ताकि वो तो स्टेटस दिया ना आपको सर, आपको स्टेटस ओके, सिंपल क्वेश्चन, सीधा सवाल, किस बेसिस पे योगेंद्र जी, किस बेसिस पे ये एमओएस रैंक आपको दिया गया है? यह तो प्रदेश सरकार का निर्णय है, वो प्रदेश सरकार स्वयं अपने जो उनके जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत दिया गया, और कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उसके कार्य की गति को बढ़ाने के लिए ये कार्य कर सकती है। और अभी तक प्रदेश सरकार को ये आइडिया नहीं आया था कि आप पांच लोगों, अगर आप पांच लोगों को, पांच बाबा लोगों को इस कमेटी में रखेंगे तो कुछ अच्छे कार्य होंगे? आखिरी सवाल ये, अब क्यों, इलेक्शन से पहले ही क्यों? पांच ओके, अकेले पांच लोगों को करने का नहीं है, उसके पीछे हजारों संत हैं, हजारों संतों के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करेंगे और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि जनता जो है वो संतों की बात को हमेशा मानती आई है, उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलती है, वो सामाजिक क्षेत्र okay. धार्मिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद योगेंद्र महंत, कई सवाल अभी भी खड़े होते हैं, वेल दीज क्वेश्चन स्टिल रिमेन दैट इज इट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्लॉय, बट यस many unanswered questions by these babas, Republic TV confronting two of them. A short breather here on Republic. We take a short break. We'll be back with more.